इस आदमी को नदी के किनारे एक टोकरी मिलती है। उस टोकरी में एक अजीब सा बच्चा था जिसकी ना आंख थी और ना कान और ना ही हाथ पैर थे, लेकिन यह बच्चा अभी भी जिंदा था। यह आदमी कठपुतलियां बनाने का काम करता है। वो सबसे पहले बच्चे की आंख बनाता है। कारीगर ने बच्चे के लिए एक दिल भी तैयार कर लिया था, अब वो उसके लिए हाथ पैर बना देता है। बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका था, उस कारीगर ने उसको लकड़ी के हाथ पैर लगा दिए। वो आदमी उस बच्चे को मार्शल आर्ट भी सिखा देता है। देखते ही देखते 20 साल बीत जाते हैं और कारीगर अपनी आखिरी से गिन रहा था। वो उस लड़के को उसके जीवन के बारे में बताता है कि तुम्हारे असली पिता ने शैतानों के साथ एक सौदा किया था। उसने ताकतवर बनने के बदले तुम्हारे अंगों की बलि चढ़ा दी थी, और जब तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हें सारे अंग नहीं मिलते। अब सिर्फ उन 48 राक्षसों को नष्ट करने के बाद ही तुम अपने असली अंगों को वापस हासिल कर सकते हो। इतना कहकर कारीगर चल बसता है। लड़के ने पुराने घर को आग लगा दी थी और राक्षसों को मारने के सफर पर चल देता है।